उसे अपन ये कर सकते हैं एनालिसिस, मतलब किसने ओपन किया या फिर जी एनालाइज कर सकते हो, वो जो अकाउंट आप यूज करते हो उसमें कैंपेन के नीचे देखना रिपोर्ट का एक ऑप्शन होता है। मतलब मैं मेलचिंग ओपन करता हूँ, और लॉगिन पे आता हूँ। ठीक है, ये आपका क्या है, डैशबोर्ड है, इसमें कैंपेन आते हैं। कैंपेन में आने के बाद भी एड आपने रन किया होगा, ठीक है, उसकी लिस्ट आपको, मतलब एड इन द सेंस कैंपेन जो आपने बनाया होगा उसकी लिस्ट सामने आती है, और उसके जस्ट सामने आपको व्यू रिपोर्ट्स का ऑप्शन आता है, जिसमें आप क्लिक करोगे तो इंडिविजुअल कैंपेन की डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी कि कितने लोगों ने ओपन किया, कितने लोगों ने, जैसे आप देखें टोटल ओपन 5 है, ठीक है, कितना परसेंट लोगों ने क्लिक किया। नीचे आओगे तो आपको ये भी दिखाएगा कि ये रहा, ठीक है, ये और ऑप्शन है, यहाँ से हटा दिया है, नहीं तो जो जो जितने भी लोग ने ओपन किया उसका मेल आईडी भी दिखा था कि कौन कौन लोगों ने ओपन किया, ताकि आपको पता चले, ठीक है। तो आपको अभी यहाँ पे नंबर्स दिखा रहा है, बाकी चीजें नहीं दिखा रहा है, ठीक है, क्लियर है। स्पेसिफिकली नहीं, मतलब किसने ओपन किया वो समझता क्या? पहले दिखाता था, अभी शायद यहाँ नहीं दिखा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है 15 मेल सेंड, 15 लोगों को भेजा था, 15 लोगों को पहुंच गया, ठीक है, लेकिन मेल आईडी नहीं दिखा रहा, नहीं तो आपको यहाँ पे दिखाता था इस मेल आईडी वाले ने मेल ओपन किया है, एक बार ओपन किया कि दो बार ओपन किया वो भी दिखाता था, बट अभी यहाँ पे आपको नहीं दिखाता है, ठीक है, एक बार ये हो जाए फिर अपन देख सकते हैं। जैसे कि इसमें भी ये कोई दूसरा है, देखते हैं। इसमें भी आपको नीचे आते हैं, टेक्स्ट ही सारी चीजें ओपन रेट है, ये रहा दिखा रहा है वो 4 लोग कौन है, मोर पे आए तो ये मेल आईडी और उसके सामने नंबर्स दिखा रहा है, ठीक है, तो ये आपको पूरा डिटेल दिखाता था। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक कर सकते हो, क्लियर, यस सर, ठीक है देखो जो लिखा ना, है जिसने ओपन किया उसको ही फिर से मतलब अप्रोच करने हैं। वो आपके ऊपर है अप्रोच के, जिसके आप दिखा रहे हैं इस मेल आईडी ने 2 बार ओपन किया है, बाकी लोगों ने एक एक बार ओपन किया है, ठीक है, तो आपको दिखा रहे हैं जितने लोगों ने ओपन नहीं किया उसका इसमें नाम नहीं होगा, तो आप अपने डेटाबेस में चेक कर सकते हैं किसको भेजा है, और जितने लोगों ने ओपन नहीं किया उसको वहां से आइडेंटिफाई करके दोबारा मेल भेजना है दोबारा भेज सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इसका ऐप भी है मेलचिम का, यदि आप फोन से ऑपरेट कर रहे हो तो फोन से उसका ऐप डाउनलोड कर लो, उसी से आप सारी डिटेल्स देख सकते हो, सारा कैंपेन बना सकते हो, सब चीज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर। सर जी बोलिए। मैंने ईमेल सेंड किया था तो यहाँ पे टर्म्स ऑफ सर्विस वायलेशन और क्रिटिकल क्यों बता रहा है।
क्योंकि आपने जो टेम्पलेट यूज किया होगा उसमें जो चीज उसने मेलचिप ने बाय डिफॉल्ट दी थी उसमें से कोई चीज एज इट इज रखी होगी। हो नहीं, सकता है वो तो नीचे मैंने फुटर में रिसॉल्व जो कर दिया दिया रहता था, पर वो है। हाँ अकाउंट इश्यू आ रहा है, अवर ऑटोमेटेड अब्यूज प्रिवेंशन सिस्टम हैज वो डिटेक्टेड तो एन बिना देखे मैं भी नहीं एक्शन। बोल सकता। ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड्स आपने यूज किए होंगे जो स्पैम है, या कुछ स्पैम एक्टिविटी हुई है आपके उस आईडी से या अकाउंट से। ठीक है, तो उसके कस्टमर केयर में जाके चेक करो, नहीं तो फिर एक दूसरा अकाउंट क्रिएट करो और चेक करो उसमें भी वही दिक्कत आ रही है क्या जो आपने पहले किया था। ठीक है, ओके, हाँ, क्योंकि यदि बार बार गलत आईडी डालते हैं तो भी ये प्रॉब्लम आती है, अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अकाउंट क्रिएट करते वक्त जो भी आईडी पासवर्ड डालते हैं उनको खुद को याद नहीं रहता कि आईडी पासवर्ड क्या डाला है। ईमेल आईडी अलग है, यूजर नेम अलग बनता है, तो हो सकता है कि आप यूजर नेम जो बनाए होंगे उसके बदले ईमेल आईडी डाल के लॉग इन कर रहे हो, तो मल्टीपल टाइम्स लॉग इन फेल की वजह से वो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है वो बिना देखे तो बोलना मुश्किल है। ठीक है, ओके, और कोई डाउट? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे और भी टॉपिक्स हैं वो देखते हैं। ठीक है, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है वो चेक करते हैं, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और आपके काम का भी है। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है तब तक बताओगे आप लोग, क्या पता है आप लोगों को इसके बारे में, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग? तो कोई प्रोडक्ट मतलब वो आप अपने प्रोफाइल में डाल के उसको सेल रीसेल करना। एफिलिएट मतलब कभी भी प्रोडक्ट सेल करना नहीं होता है। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप सामने वाले से टाई अप करके या किसी भी कंपनी से टाई अप करके उनके प्रोडक्ट और सर्विस को क्या करते हो, प्रमोट करते हो, मार्केट करते हो, और आपकी मार्केटिंग की वजह से यदि वो प्रोडक्ट सेल होता है तो क्योंकि आपकी वजह से वो प्रोडक्ट सेल हुआ है तो उसका कुछ कमीशन, कुछ परसेंटेज वो आपको देता है, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, तो सिंपल है, एफिलिएट मतलब किसी के साथ टाई अप करना, जुड़ना। मार्केटिंग मतलब अगेन वे ऑफ प्रमोशन, तो जब हम किसी कंपनी के साथ टाई अप करके उनके किसी प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करते हैं, ठीक है, मतलब मार्केट करते हैं, और हमारी मार्केटिंग की वजह से यदि वो प्रोडक्ट सेल होता है तो उसका कमीशन आपको दिया जाता है क्योंकि आपकी वजह से वो प्रोडक्ट सेल हुआ। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। लेकिन सवाल ये है, क्या बड़ी बड़ी कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है या इतनी ताकत नहीं है कि वो खुद के लिए मार्केटिंग कर पाए? है, आप फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऐड देखते हो टीवी में, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडियाज में, फिर भी वो एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम रन करती है। क्यों, क्या रीजन है कि कोई भी कंपनी, चाहे वो स्मॉल कंपनीज हो या बड़ी कंपनी हो, एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम रन करती है? क्या रीजन है इसका, कोई बता सकता है? कोई आइडिया नहीं है? अगर कुछ उन्होंने न्यू मतलब जैसे मिंत्रा सेल वगैरह चालू होता है तो उसको प्रमोट करने के लिए मे बी। नहीं तो वो तो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए थोड़ी जाएगी, यदि कोई ऑफर है तो वो तो खुद ऐड रन करेगी ना। ठीक है, खुद पब्लिसिटी करेगी, न्यूज़पेपर में ऐड देना है या सोशल मीडिया में कैंपेन रन करना है, वो अपने लेवल पे करती है, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम अलग से रन करती है, इसका रीजन क्या है, क्या समझ में आ रहा है आपको? मे भी ट्रैक और ट्रैक रखने के लिए कि किसने मतलब किस किस को क्या एलोकेट किया है, कितना सेल हुआ है। ठीक है, क्योंकि ना सब पूछ पूछ कर रहे हैं ना, इसलिए चलेगा चलेगा। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, तो
जनरली एफिलिएट मार्केटिंग का जो प्रोग्राम है वो कंपनी क्यों रन करती है, उसका छोटा सा एक एग्जांपल है जो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी है, ठीक है, वो अपने लेवल पे जितना भी मेहनत कर सकती है, उसके पास जितना रिसोर्स है, जितनी टीम है, जितना वो एडवर्टाइजमेंट करती है, उसके अकॉर्डिंग एक दिन में वो सपोज 20 प्रोडक्ट सेल कर रही है, और पर प्रोडक्ट वो यदि 100 रुपीज रिवेन्यू जनरेट कर रही है, तो उसका एक दिन का रिवेन्यू कितना हो रहा है, 2,000 रुपए, ठीक है। उसका नेट प्रॉफिट जो है सारा चीज काट कूट के उसके पास 100 रुपीज क्या बच रहा है, प्रॉफिट बच रहा है नेट, सारा एक्सपेंस निकाल के। अब यदि वो बिजनेस ओनर चाहता है कि इस 2,000 रुपीज को मेरे को 3,000 या 4,000 करना है, तो कैसे पॉसिबल है बताओ? क्योंकि जो भी बिजनेस ये काम कर रहा है या जो भी काम कर रहा है, वो अपना 100% एफर्ट लगा के, उसके जितने भी एम्प्लॉई है उनसे बात करके, मार्केटिंग लेवल पे स्पेंड करके, जितना जो भी कर सकता है वो करके, वो पर डे 20 प्रोडक्ट सेल कर रहा है और पर प्रोडक्ट 100 रुपीज रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। यदि इसको वो इंक्रीज करना चाहता है तो कैसे पॉसिबल है बताओ? अगर ऐसे स्मॉल बिजनेस का एग्जाम्पल लिए सर, और ऐसा हो रहा है तो किसी और को मतलब ऐसे देखे कि हमारा प्रोडक्ट सेल करना और उस पे जो भी प्रॉफिट रहेगा वो हाफ वो रखेगा और वही हाफ तो, हम वो एफिलिएट मार्केटिंग का ही पार्ट हुआ, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, यदि सपोज एक तरीका होता है मार्केटिंग में स्पेंड करें, जितना उसका बजट है कैपेसिटी, वो तो वो कर ही रही है, लेकिन उससे ज्यादा करेगी तो कन्वर्जन आएगा नहीं आएगा उसकी गारंटी नहीं है। यदि वो और एम्प्लॉय को रखती है कि आप मेरे लिए काम करो, तो वो इम्प्लॉय उतना 100% एफर्ट डाल के काम करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, लेकिन हर महीने उसको सैलरी देना है, कंपलसरी है, ठीक है। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, अपने लेवल पे जो काम कर रही है उससे जो उसको बेनिफिट मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, वो अपने लेवल पे जो कर रही है वो अलग है, लेकिन वो क्या करती है, वो किसी ऐसे पर्सन को बोलती है कि आप एक काम करो, मेरे लिए मार्केटिंग करो जिसमें आपको ना इन्वेंटरी मैनेज करने की जरूरत है, ना आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं, अपने फ्री टाइम के हिसाब से जब भी आप फ्री हो आप मेरे प्रोडक्ट और सर्विस का प्रमोशन करो, और आपके प्रमोशन की वजह से यदि वो प्रोडक्ट बिकता है तो उसका कुछ परसेंटेज कमीशन मैं आपको दूंगा अपने प्रॉफिट में से। तो अभी जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ए, सपोज ए अपने हिसाब से टाइम मैनेज करके एक दिन में 10 प्रोडक्ट सेल करता है, तो जो बिजनेस ओनर है जिसको 100 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है, उसने क्या किया, उस 100 रुपीज में से 30 रुपीज सामने वालों को पे किया, क्योंकि उसने उसके लिए काम किया। अब उसको ना इन्वेंटरी मैनेज करना है, ना इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ भी नहीं, इसीलिए सिर्फ उसने प्रमोशन किया, उसने मार्केटिंग की, और उसकी वजह से उसका प्रोडक्ट सेल हुआ, तो उसने पर प्रोडक्ट 30 रुपीज सामने वालों को पे किया, लेकिन उसको बेनिफिट कितना हुआ, 70 रुपीज, भले उसका प्रॉफिट में से कम हुआ, लेकिन बिना कुछ किए बैठे बैठे उसको 700 रुपीज बेनिफिट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कोई और उसके लिए काम कर रहा है। अब यदि सामने वाला काम नहीं करेगा तो उसको कुछ पेमेंट करना है क्या? नहीं करना है। जब प्रोडक्ट सेल होगा तभी उसको पेमेंट करना है, तो जब बैठे बैठे उसको बेनिफिट मिल रहा है, तो उस बेनिफिट में से वो 50% दे, 30% दे, या जितना उसको देना उसकी मर्जी, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा बचेगा। सेम विथ बी, बी वाला बंदा क्या करता है, वो अपने लेवल पे काम करके 12 प्रोडक्ट एक दिन में सेल कर रहा है, 840 रुपीज सामने वाले को प्रॉफिट हो रहा है, सी उससे ज्यादा कर रहा है, डी उससे भी कम कर रहा है, सबसे कम कर रहा है, लेकिन यदि ये चारों का सम करोगे तो खाली चारों का टोटल करोगे तो 3,150 होता है। मतलब वो इंडिविजुअल जितना कमा रहा था उसको तो साइड कर दो, लेकिन ये एफिलिएट मार्केटिंग की वजह से जो उनके लिए काम कर रहे हैं, जिसको उनको सैलरी देना ही नहीं है, जब प्रोडक्ट सेल होगा तब उसको कमीशन देना है, तो बैठे बैठे अपनी मेहनत जितना कर रहा है उससे ज्यादा रेवेन्यू तो वो एफिलिएट मार्केटिंग से कमा ले रहा है, मतलब उनके थ्रू प्रोडक्ट सेल करके कमा ले रहे हैं। तो कंपनी क्या करती है, अपने लेवल पे जो कर रही है काम वो तो करती है, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग का भी प्रोग्राम रन करती है, क्योंकि उस प्रोग्राम के थ्रू सामने वाले को उसको फिक्स प्राइस नहीं देना है, प्रोडक्ट सेल है होने पे ही देना है, तो उसको बैठे बैठे यदि दिन का 10 प्रोडक्ट भी बिके, 50 प्रोडक्ट बिके या 2 प्रोडक्ट बिके, जितना भी प्रोडक्ट जाएगा उसको तो घूम फिर के प्रॉफिट है ना। तो इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, ये काम करती है। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है, वो अपनी जगह है,
लेकिन इनडायरेक्टली लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लोगों को बेनिफिट मिलता है कि वो भी अपना सेकेंडरी इनकम जनरेट कर सकता है, या पॉकेट मनी किसी को निकालना है वो निकाल सकता है, जिसके लिए कोई स्किल की या किसी ऐसा चीज की जरूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि सामने वाले को पेमेंट कब करना है, जब वो प्रोडक्ट सेल होगा तब। ठीक है, तो इसीलिए कोई ऐसा एज लिमिट या फिर आपका स्किल वाइज ग्रेजुएशन वाइज ऐसा कोई मैटर नहीं करता, कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ रीजन होता है जिसकी वजह से कंपनियां, या बड़े बड़े कंपनी हो या स्मॉल कंपनीज हो, ये एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम रन करती है। रियल एस्टेट वाले क्या करते हैं, वो वहां पे एक टर्म दिया हुआ है ब्रोकर। ठीक है, रियल एस्टेट वाले ब्रोकर को अप्रोच करते हैं कि ये मेरा नया प्रॉपर्टी, इसको आपको सेल करना है, या फॉर एग्जाम्पल कहीं पे किसी को रेंट पे देना है, तो वो भी ब्रोकर को अप्रोच करती है कि आप मेरे लिए काम करते हो। होता क्या है, सामने वाला है जब उसको लेके आता है तो वो अपने प्रॉपर्टी का 1% 2% जो भी है वो उसको देता है, क्योंकि उसने मेहनत की, उसने उसको लेके आया, ट्रैवलिंग का खर्चा किया, टाइम निकाला, सब उसका हेडेक है। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपको बैठे बैठे प्रोडक्ट तो सेल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये चीज चल ही रही है, लेकिन उसको अपने अपने लेवल पे अलग अलग नाम दिया गया है, बट डिजिटल लेवल पे इसको एफिलिएट मार्केटिंग का नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले चीज, एफिलिएट मार्केटिंग आप किसी भी कंपनी के लिए करो या जहां पे ऑप्शन है उसके लिए करो, आपको स्टार्ट करने के पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले चीज, लव व्हाट यू आर डूइंग, दैट मींस जो भी आप कर रहे हो वो आपको पसंद होना चाहिए। खाली आपके माइंड में यदि पैसा है तो आप काम नहीं कर पाओ, आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट को प्रमोट करने से आपको रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि इतना इजी होता तो आज की डेट में कोई भी बिजनेस से जॉब नहीं करता, यही काम करता। ठीक है, तो पहला चीज तो जो आप कर रहे हो वो आपको पसंद होना चाहिए, क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा सा। दूसरा पेशेंस, जैसे मैंने आपको बोला अभी, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग में नया नया जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ऐसा कोई क्राउड नहीं होता। आप मार्केटिंग कहाँ करोगे, किसको करोगे, आपके पास कोई एक क्राउड या सेट ऑफ ऑडियंस होगा तब तो वहां पे प्रमोट करोगे, आप थोड़ी ना डोर टू डोर जाके काम करोगे, क्योंकि तो डिजिटल लेवल पे। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। तीसरा, लर्न फ्रॉम अदर्स। लर्न फ्रॉम अदर्स का मतलब क्या है, लर्न फ्रॉम अदर्स का मतलब है कि जो भी एफिलिएट मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, चाहे वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है या और भी जो लोग हैं, जो आपको सोशल मीडिया यूट्यूब से पता चल जाएगा कि कौन एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है, उनके प्रोफाइल्स को जाके चेक करो, उनका केस स्टडी चेक करो कि वो किस तरीके से काम करते हैं, कैसा कंटेंट क्रिएट करते हैं, ताकि आप वो गलती ना करो और आपको ज्यादा टाइम ना लगे। मतलब दूसरों की गलतियों से और दूसरों के अच्छाइयों से, दोनों से सीखो कि वो किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, देन सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि जब आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले तो आपको चाहिए ऑडियंस बेस। अब आप ऑडियंस बेस बनाने के लिए या तो यूट्यूब का हेल्प लेते हो, या तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम की हेल्प लेते हो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, या तो आप कोई एक वेबसाइट बनाते हो, ब्लॉगिंग वेबसाइट या कोई भी ऐसी वेबसाइट जहाँ पे ट्रैफिक है, क्योंकि जब तक आपके पास ऑडियंस नहीं है तब तक आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, अब ऑडियंस बनाने में, फॉलोअर्स बनाने में, सब्सक्राइबर बनाने में लगता है टाइम। अब सपोज आपने 6 महीने 8 महीने साल भर मेहनत करके एक ऑडियंस बनाया, अब उस ऑडियंस को यूज करके आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, मतलब प्रमोशन कर रहे हो अदर प्रोडक्ट्स का, और फॉर एग्जाम्पल वो प्रोडक्ट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, या फॉर एग्जाम्पल वो प्रोडक्ट हेल्पफुल नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, स्टार्टिंग में लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आप अच्छे से कंटेंट डालते हो जिसकी वजह से वो आपको फॉलो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके बोलने पे कुछ लोग, सब तो कभी नहीं लेते, 100 में से मैं बोलता हूँ 5 लोग ने वो प्रोडक्ट यूज किया या आपके बोलने पर लिया और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं निकली, या सपोज उससे कुछ इफेक्ट हुआ, या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई जो उनके लिए सही नहीं था, तो इससे हुआ क्या, उनके माइंड में जाएगा कि यार ये जो प्रोडक्ट बताते हैं ना वो सही नहीं है। ठीक है, और आज की डेट में सबको पता है कि यदि आप ऑनलाइन, चाहे वो फेसबुक आपका इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करो मतलब आपको उसके बदले कमीशन मिल रहा है, सीधा सीधा लॉजिक आज की डेट में क्लियर है। तो लोगों को क्या लगता है, पैसे के लिए आप गलत चीज को भी प्रमोट कर रहे हो, आपको मतलब नहीं है सामने वालों के लिए वो अच्छा है कि नहीं है, तो आपकी इमेज खराब होगी, और जब आपकी इमेज खराब होगी तो क्या होगा, एक प्रोडक्ट तो लोग ने ले लिया, थोड़ा बहुत आप स्टार्टिंग में कमा लोगे, उसके बाद जब लोगों को पता चलेगा ना, पहली चीज तो आपके फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे, दूसरा
दूसरी चीज, आपके पोस्ट में या आपके जो भी कंटेंट होगा उसमें ऐसे कमेंट आएंगे जिसको देख के बाकी लोग भी आपके प्रमोशन पे या जो भी चीज आप रिफर करोगे उसमें ट्रस्ट नहीं करें। फिर से क्या होगा, आपने 6-8 महीने मेहनत करके एक ऑडियंस बनाया और एक गलत प्रोडक्ट का सिलेक्शन आपकी पूरी इमेज डाउन कर देगा। फिर जीरो से मेहनत करो, तो बेटर है कि आप प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लो, सही है तो ही प्रमोट करो, अदरवाइज मत करो, ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट है आप जिसके लिए प्रमोशन करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, बट ऐसा सिलेक्शन करो जो लोगों के लिए काम का है। या कुछ ऐसे प्रोडक्ट आपको लगते हैं जिसमें आप श्योर नहीं हो, तो फिर वैसा कंटेंट क्रिएट करो जिसमें आप मेंशन करो कि ये प्रोडक्ट अच्छा है बट आपने कभी यूज नहीं किया है तो कैसा होगा इसका प्लस माइनस मुझे नहीं पता, मतलब सेफ साइड में रहो, सीधी सी बात, ठीक है। लेकिन कभी भी ऐसा प्रमोशन ना करो जिसमें आप गारंटी दे रहे हो या आपकी वजह से लोग ले, ऐसा वर्ड्स यूज नहीं करना है जहां पे आप कॉन्फिडेंट नहीं, ताकि बाद में आपको कोई ब्लेम ना कर पाए, ठीक है। नाउ इसके बाद बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन इन योर निश। जैसा हम बात कर रहे हैं, आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होगा वो तो ठीक है, बट इसको प्रमोट कैसे करोगे? तो प्रमोट करने के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि आप यूट्यूब इंस्टाग्राम ये सबका हेल्पफुल ले सकते हो, क्योंकि जब तक आपका रेपुटेशन मार्केट में या डिजिटल वर्ल्ड में अच्छा नहीं है, जब तक लोग आपको पहचानेंगे नहीं, तब तक आपके किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करने से कोई बेनिफिट नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएट करने पड़ेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूब हो या ब्लॉगिंग वेबसाइट, वेबसाइट के थ्रू आप जाना चाहते हो वो आपकी चॉइस है। आपको अपनी रेपुटेशन क्रिएट करने के लिए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मतलब जो यूजर्स के काम का है, उनके बेनिफिट के लिए, वैसे कंटेंट पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और उस कंटेंट को बना के आपको डालना पड़ेगा, ताकि लोगों को लगे कि यार ये अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करता है, ये अच्छा है, तो वहां से आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आपको लोग फॉलो करेंगे और जब तक एक अच्छा खासा फॉलोअर बेस, 1000-2000 में कुछ नहीं होने वाला, एक अच्छा खासा फॉलोअर बेस जब तक नहीं होता, मतलब 5000+ आपके फॉलोअर्स यदि नहीं है या यूट्यूब में 5000 सब्सक्राइबर नहीं है, तब तक आप प्रमोशन ना करो तो आता ज्यादा अच्छा है, ठीक है। हाँ, यदि यूट्यूब में आपके फॉलोअर्स कम है, सब्सक्राइबर 2000 है, लेकिन आपके व्यूज अच्छे आ रहे हैं, ट्राफिक अच्छी आ रही है, आपको एनालिटिक्स में पता चलता है, तब आप वहां पे मार्केटिंग कर सकते हो, प्रमोशन कर सकते हो। बट इंस्टाग्राम पे 2-3 हजार रुपए कोई बड़ी, मतलब 2-3 हजार फॉलोअर्स कोई बड़ी चीज नहीं है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। और उसके बाद आपको प्लान बनाना है, ऐसा नहीं कि आपके फॉलोअर्स अच्छे खासे हो गए तो डायरेक्ट प्रमोशन करना है, नहीं, आपको प्लानिंग करनी है, मतलब ऐसा मार्केटिंग करना है या इस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है जिसमें लोगों को ये ना समझ में आए कि आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हो, जिसको हम बोलते हैं क्या, बैनर ब्लाइंड, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, जब आप मूवी देखने जाते हो या घर में कोई टीवी चालू करते हो, खाना खाते वक्त या मूवी देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, कुछ भी यदि आप देखते हो, देख रहे, बीच में जब ब्रेक आता है तो हम क्या करते हैं, चैनल चेंज कर देते हैं, कि हमको पता है कि 5 मिनट एडवर्टाइजमेंट आएगा, उसको देखने से अच्छा हम चैनल चेंज कर देते हैं। सेम वैसा ही यहाँ पे होता है, यदि यूजर्स को पता चलेगा कि आप एड रन कर, मतलब आप किसी को प्रमोट कर रहे हो, तो वो इग्नोर करेंगे, लेकिन आपने किसी चीज का हिस्सा बना के दिखाया, मतलब आप कोई भी मूवी या सीरियल देखते हो उसमें किसी प्रोडक्ट को बताया जा रहा है, मतलब कोई BMW यूज कर रहा है, कोई आईफोन यूज कर रहा है, कोई और XYZ प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, तो वहां पे यदि उसकी लाइफस्टाइल में या उस पर्टिकुलर चीज के अंदर यदि यूज करके दिखाया जाए, तो हम उसको इग्नोर नहीं करते, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये प्रमोशन है, तो हम उसको इग्नोर करते हैं। तो यदि आपका सपोज टॉपिक आपने चूज किया है कि मैं हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट पे काम करूंगा, और आपने हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट निकाला या यूट्यूब में उससे रिलेटेड वीडियोस बना रहे हो, और अचानक से किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन बीच में करोगे, समझ में आ जाएगा कि आप तो प्रमोशन कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, प्लानिंग करनी है। कैसे प्लानिंग करनी है, ऐसा कंटेंट बनाओ या ऐसे फील्ड चूज करो जिससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स का या प्रमोशन करोगे पहला, ताकि आपका जो फील्ड है उस फील्ड से रिलेटेड ही प्रोडक्ट लोगे तो लोग थोड़ा ट्रस्ट करेंगे। लेकिन आप हेल्थ के लिए बात कर रहे हो और आप मोबाइल के बारे में रिफर करोगे, कोई नहीं सुनने वाला, ना ही कोई ट्रस्ट करेगा, ठीक है। तो जिस भी प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्टेड है उस फील्ड से रिलेटेड आपको अपना रेपुटेशन क्रिएट करना है, और ऐसा कंटेंट फ्रेम करना है जहां पे वो उसका एक पार्ट बन के दिखे। कैसे, आपको एग्जांपल चाहिए तो आप भुवन बाम का इंस्टाग्राम पेज ओपन करके देखना, लेटेस्ट उसने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के प्रमोशन किए हैं, मैगी का आपको प्रमोशन दिख जाएगा, आपको और भी 2-3 कंपनी के प्रमोशन दिखेंगे, लेकिन जब उसका कंटेंट देखोगे ना, तो उसका जो डबल रोल ट्रिपल रोल वाला जो स्टार्टिंग से चल रहा है,
उस पैटर्न पे वो कॉमेडी जो उसका मेन फोकस है उसको उसके हिसाब से एक स्टोरी बनाता है, कॉमेडी के हिसाब से कंटेंट स्टार्टिंग का 1-2 मिनट रहता है, और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट या सर्विस वो प्रमोट करता है उसको उसी फ्लो में वो कहीं ना कहीं उसको यूज करता है, मतलब स्टोरी में फ्रेम करता है, वैसा स्क्रिप्ट रेडी करता है ताकि सामने वाले को जो ऑब्जेक्टिव एंटरटेन होना वो एंटरटेन भी हो जाता है, और इनडायरेक्टली उसको जो प्रमोशन करना था वो प्रमोशन भी हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों को अलग से नहीं लगता कि ये प्रमोशन हो रहा है, तो लोग उसको देखेंगे, उसको पता भी रहेगा ना कि ये इस प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहा है, फिर भी उसको देखते हैं क्योंकि उसका जो आपका स्क्रिप्ट रेडी किया हुआ है वो ओरिजिनल कंटेंट को मेंटेन करते हुए चल रहा है, तो लोग इग्नोर नहीं करते, और चांसेस है कि वहां से वो जो बोल रहा है उसकी बात मान के कुछ लोग, कुछ क्या 50% लोग ही सही एटलीस्ट वो एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं, या जो भी वो बोल रहा है उसकी नीड है तो वो लोग परचेज करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको प्लानिंग करनी है, बिना प्लानिंग बिना स्ट्रेटेजी रैंडम आप डालोगे तो नहीं होगा, और इतना इजी होता तो सीधी सी बात है, हम इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील देखते हैं कि आप डेली का 1,000 रुपए 2,000 रुपए रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, सीधा सीधा लॉजिक है, क्या इतना इजी है? इजी होता तो लाखों रुपए डाल के लोग एजुकेशन नहीं करते और अपना बिजनेस में लाखों रुपए डाल के रिस्क नहीं लेते, ये काम रोज का रोज करते बहुत है, लेकिन टाइम टेकिंग और पेशेंस वाला काम है, उतना पेशेंस नहीं है और उतना फिनिशिंग या परफेक्शन के साथ नहीं करते लोग, इसीलिए लोगों को रेवेन्यू नहीं मिलता। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बी कंसिस्टेंट, जैसे मैंने बोला पेशेंस रखना है, टाइम लगता है, तो आप सोचोगे मैं 1-2 महीने में इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल बना के रेवेन्यू जनरेट कर लूँ तो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है, जो आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू करना है, कंसिस्टेंट रहना है, तब जाके 2-3 महीने 4 महीने में आपको बेनिफिट मिलेगा, कब, एक अच्छा खासा ऑडियंस बनने के बाद, लेकिन ऑडियंस ही नहीं है तो ऑडियंस बनने में 1-1.5 साल लग जाएगा, लेकिन आप 1-1.5 साल तक वेट नहीं कर सकते कि आप काम करो और रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है तो आपके काम का नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एंड लास्ट बिल्ड योर टीम, अकेले काम नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर सकते, अब आपको सपोज आपने एफिलिएट अकाउंट बनाया अमेजोन में, कोई बड़ी चीज नहीं, तुरंत बन जाएगा, अभी हम देखेंगे कैसे बनता है, अब आपने अकाउंट बना लिया, अकाउंट बनाने के बाद आपने कोई भी एक प्रोडक्ट चूज किया जिसके लिए आपको प्रमोशन करना है, या फॉर एग्जाम्पल आप जीरो से कर रहे हो तो पूरी प्लानिंग के साथ किया कि आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट पे काम करना और उस पर बनाना है, तो वो जो भी कंटेंट आप बनाओगे चाहे प्रमोशनल हो या स्टार्टिंग में इंफॉर्मेटिव हो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो उसका कॉन्सेप्ट क्या अकेले आप सोचोगे, चलो मैं बोलता हूँ आपने कॉन्सेप्ट सोच लिया, कोई बड़ी चीज नहीं है, इधर उधर एनालाइज किया रिसर्च किया वो सोच लिया, अब उसको अट्रैक्टिव वे पे वीडियो फॉर्मेट में या इमेज फॉर्मेट में बनाएगा कौन, उसके लिए आपको ग्राफिक डिजाइनर या वीडियो मेकर चाहिए, अब आपके पास यदि वो है ही नहीं तब कैसे करोगे। ठीक है, प्लस कुछ ऐसे कंटेंट हो सकते हैं जहां पे आपको रिकॉर्डिंग की जरूरत है, मतलब शूटिंग की जरूरत है, कैमरा पर्सन आपके पास चाहिए जो उसको रिकॉर्ड करेगा शूट करेगा, स्टार्टिंग में तो मोबाइल यूज करके सारा चीज यूज करके कर लेते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास एक टीम होनी चाहिए जहां पे एक बंदा कंटेंट राइटर हो, मतलब जो कॉन्सेप्ट और स्क्रिप्ट लिख पाए, एक बंदा होना चाहिए जो एडिटिंग वाला हो, वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग का काम आता हो, एक बंदा होना चाहिए जो रिसर्च का काम करे, कॉन्सेप्ट निकालने का काम करे कि क्या कंटेंट निकाला जाए जिसपे ये काम किया जा सकता, सब चीज आप बोलोगे कि अकेले मैं कर लूँ तो पॉसिबल नहीं है, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप जितना आता है उससे स्टार्ट करो और धीरे धीरे कोशिश करो कि आप अपनी टीम बनाते जाओ ताकि कहीं ना कहीं आपका जो कंटेंट है वो अच्छा बने और लोग अट्रैक्ट, क्योंकि इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे या यूट्यूब में जितना अच्छा कंटेंट होगा, कॉन्सेप्ट कितना भी अच्छा हो लेकिन तो इसको लुक एंड फील क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, वो ब्लर हो रहा है या हिल रहा है तो लोग देखना पसंद नहीं करते, इसीलिए आपको उसका ध्यान रख, क्लियर है? यस सर, अब ये सब तो चलो ठीक है, आपने ये ध्यान रख के काम किया, बट एफिलिएट अकाउंट बनाओगे कैसे, किसी भी प्रोडक्ट के लिंक क्रिएट कैसे करोगे, प्रमोट कैसे करोगे, तो प्रमोट कैसे करना है वो तो मैंने बता दिया, लेकिन आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या करना है, मैं यहाँ पे आता हूँ और अमेजोन ओपन करता हूँ, नॉर्मली आपको गूगल में क्या सर्च करना है, अमेजॉन एफिलिएट प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ पे आके आप अपना साइन अप कर लो, साइन अप मतलब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो, आपका अमेजोन का जो भी अकाउंट होगा जो आप यूज करते होगे सेम आईडी
सेम आईडी पासवर्ड से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एनआप पे जाओगे तो आपको आईडी पासवर्ड बोलेगा, जो भी आपका अमेजोन का वो आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन करो। बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा, लाइक आपकी वेबसाइट या आपका ऐप कंपलसरी है, कोई भी एक होना। वेबसाइट नहीं है कोई बात नहीं, आप अपने इंस्टाग्राम का पेज का यूआरएल, यूट्यूब चैनल का यूआरएल डाल सकते हो, क्योंकि वो मैनुअली बंदा ट्रैक नहीं करता है, वो एक वैलिड यूआरएल चेक करता है कि आपका है कि नहीं, इसलिए ताकि उसको कंफर्म हो कि हाँ आपके पास कोई वेबसाइट या कुछ ऐप या कुछ है, तभी तो आप अपने प्रोडक्ट का या उसके प्रोडक्ट का प्रमोशन वहां पे कर सकते हो। तो वो आपको डालना है। फिर आपको स्टोर आईडी मतलब एफिलिएट आईडी जो ट्रैक करनी है, वो क्या चाहिए, आप जो चाहिए वो आप रेंडम डाल दो। फिर आपको पूछेगा कि आप कैसे प्रमोशन करोगे, एसईओ के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू, अलग अलग ऑप्शंस पूछता है कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी पूछेगा वो डाल के कंप्लीट करना है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब आप अमेजोन नॉर्मली ओपन करोगे, खाली अमेजोन अमेजोन ना, आप अभी बिना कुछ किए अमेजोन ओपन करोगे और मैं करता हूं, तो इसमें डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा, जिसकी आप कर कर ऐसा दिखता ऊपर पट्टा, लेकिन मैं ऑफिस देखते हैं कि क्या दिखा रहा है। अरे ये पासवर्ड का ना बहुत लोग चाहिए, ओटीपी रिसेट ही कर दिया उसने। ठीक है ना, लॉग इन होने के बाद क्या दिख रहा है ऊपर में, एक एक्स्ट्रा पट्टा दिख रहा है। ठीक है, ये अमेजोन एसोसिएट साइट स्ट्रेप करके, ये तभी आता है जब आपका एफिलिएट अकाउंट बन चुका है, अमेजोन में एफिलिएट अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, ये आ गया मतलब आपका एफिलिएट अकाउंट क्रिएट हो गया और इंस्टेंट क्रिएट हो जाता है। जैसे आप फॉर्म फिलअप करके कंप्लीट करोगे, तुरंत आपका एफिलिएट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब जो भी प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करना है, आपको ही पता है अमेजोन में बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसको प्रमोट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ये ट्रेवल बैग को मेरे को प्रमोट करना है, तो मैंने क्या किया, इस ट्रेवल बैग सिंगल पेज ओपन किया, सिंगल पेज में सिंगल प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है, उसकी डिटेल है और वहां पे ऐड कार्ड या बाय नाउ का ऑप्शन है ये। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंगल प्रोडक्ट पेज। अब ये ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर में जो एसोसिएट स्ट्रिप दिख रही है, यहाँ पे आपको गेट टेक्स्ट इमेज, टेक्स्ट प्लस इमेज का ऑप्शन है। मैं टेक्स्ट में क्लिक करता हूँ तो क्या करेगा, इस प्रोडक्ट का जो आपके सामने ओपन है, इसका ये एफिलिएट आईडी बना दिया शॉर्ट लिंक, इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आपका जो भी स्टोर आईडी और आपने ट्रैकिंग आईडी बनाई होगी वो आपको दिखेगा, जो इसमें लिंक रहेगा। इस यूआरएल को आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने वेबसाइट में किसी प्रोडक्ट में डालना है, स्टोरी में कहीं पे डालना है, यूट्यूब में नीचे डिस्क्रिप्शन में डालना है, वो आपकी चॉइस है। इस लिंक को जहां शेयर करना है आप शेयर कर सकते हो। जब भी कोई यूजर इस पे क्लिक करेगा, जैसे कि मैंने इसको कॉपी किया और मैं न्यू टैब में इसी को ओपन करता हूँ, तो जब भी कोई क्लिक करेगा तो क्या आएगा के सामने, वहां दिख रहा है तो वही है, इसमें रेट का कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ भी देखोगे तो 370 मतलब 3799 है, यहाँ भी वही है। बट अब इस आईडी में आपका एफिलिएट आईडी जुड़ है, अब इस पर्टिकुलर लिंक को यूज करके कोई यहाँ पे परचेस करता है तो इसका कमीशन को मिलेगा। ठीक है,
हर प्रोडक्ट पे कमीशन फिक्स है, मतलब परसेंटेज फिक्स है, लेकिन बस एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे जो ये प्राइस दिख रहा है ये टैक्स इंक्लूड करके आपको जो कमीशन मिलता है वो इस प्राइस पे नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला है कि ये ट्रेवल बैग में आपको 5% का कमीशन है, तो 5% ये 3,799 पे नहीं होगा, इसमें जो टैक्स है, टैक्स रिमूव करने के बाद जो बचेगा उस बचे हुए अमाउंट पे 5% आपको कमीशन मिलेगा, वो याद रखना है। ठीक है, नाउ आप सपोज कोई इमेज प्रमोट करना चाहते हो तो यहाँ पे टैक्स के बदले, आप वेबसाइट में यूज करना है तो टैक्स के बदले इमेज में क्लिक करो तो आपको इमेज का कोड देगा ये रहा। ठीक है, ये इस कोड को आप अपने वेबसाइट पे जहां पे भी पेस्ट करोगे तो ये इमेज दिखेगी, और उसको इमेज पे क्लिक करेगा तो अगेन इस पेज पे आ जाएगा और यहाँ से वो परचेज कर सकता है। कई जगह आपने ऐसा भी देखा हो कैसा टैक्स, ठीक है, ये वेबसाइट में जब करते हो तब के लिए, ये जहाँ पे इमेज के साथ साथ ऊपर में अमेजोन, नीचे ये सब दिखाता है, शॉप नाउ, ठीक है, क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वहां पे आ जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन है, लिंक वाला तब यूज करते हो जब आपको खाली लिंक यूज करना है, ठीक है, या फिर टेक्स्ट, और ये आप कब यूज कर सकते हो, जब आपको अपने वेबसाइट में करना है, जैसे कि आपको दिखाता हूँ। मैंने सर्च किया बेस्ट मोबाइल अंडर 25,000, ये जो भी आपने अमाउंट डाला, 360 डिग्री है, आपको दिख रहा है गैजेट्स, मैं आपको ओपन करता हूँ, यहाँ पे इसने घाटिका लिखा हुआ है 25,000 के अंदर कौन सा अच्छा है, लेकिन आपको नीचे दिख रहा है क्या, फ्लिपकार्ट जो भी है, और ये फ्लिपकार्ट, ये तो ये जो चीज है ये आपका क्या है, एफिलिएट लिंक है, इसमें क्लिक करके वो डायरेक्ट वहां पे जा सकता है। सेम विद यहाँ पे आपको अमेजोन, ये तो ये वो टेक्स्ट प्लस इमेज वाला है, जहाँ पे उसने ये सेक्शन बना दिए और क्लिक कर दो स्टोर में चला जाएगा, मतलब अमेजोन में चला जाएगा, या फ्लिपकार्ट कहते हैं फ्लिपकार्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो हर फोन के नीचे आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट, अमेजोन फ्लिपकार्ट का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, और ये एक बटन बनाया हुआ है जिसके क्लिक करने पे ये जो टेक्स्ट पे दिया हुआ है ये टेक्स्ट वहां पे डला हुआ है। ठीक है, ये तो आपके पास ऑप्शन है कि आप टेक्स्ट हो, इमेज हो, या टेक्स्ट प्लस इमेज जो यूज करें वो यूज करते हो, और आप अपनी वेबसाइट के थ्रू नॉर्मल लिंक के थ्रू जैसा प्रमोट करने कर सकते हो, लेकिन जब कोई उस प्रोडक्ट को क्लिक करके परचेस करेगा तभी आपको कमीशन मिलेगा, लेकिन कमीशन इंस्टेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है, इसका जो मंथली साइकिल चलता है उस मंथली साइकिल में आपका टोटल रेवेन्यू, मतलब कमीशन कमीशन जितना भी मिला है सबका टोटल करके यदि 1,000 प्लस यदि आपका रेवेन्यू होता है तब आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरी चीज जो रिटर्न पॉलिसी होती है इनकी, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में आपने देखा होगा रिटर्न पॉलिसी होती, तो रिटर्न पॉलिसी यदि है तो उस रिटर्न पॉलिसी का पीरियड कंप्लीट होने के बाद कंफर्म होता है कि ये बंदा अब रिटर्न नहीं करेगा, तब उसके बाद आपका जो मंथली साइकिल है उसमें उसका अमाउंट जुड़ता है, ऐसा नहीं कि उसने अभी लिया तो तुरंत जुड़ गया, नहीं, उसने रिटर्न कर दिया 2 दिन में तो आपसे रिटर्न लेना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो आपके अकाउंट में जो भी अकाउंट आपने क्रिएट किया उसमें आपके सारे कमीशन ऐड हो जाते हैं, और मंथ के एंड में यदि वो 1,000 या उसके ऊपर होता है तो ट्रांजेक्शन होगा, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट मंथ के लिए, जिस भी मंथ आपका टोटल 1,000 रुपीज या उसके ऊपर होता है तब आपका ट्रांजेक्शन होगा। क्लियर है? बताइए यहां तक सब चीज क्लियर? यस सर, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करके देखना है और आपके ऊपर में इस तरीके से एसोसिएट स्ट्रिप आ रही है कि नहीं, ठीक है, तो वो आप देखो और कहीं कोई डाउट होता है तो पूछो, फिर देखते हैं आगे का।
हेलो सर, हेलो निकेतन जी बोलिए। सर, मेरे में सिर्फ वो टेक्स्ट का मतलब है, क्लिक हो रहा है इमेज, और टेक्स्ट पर इमेज में मतलब वो उस पर क्लिक नहीं देखो हो रहा है, क्लिक नहीं हो रहा है कि समझ मतलब नहीं आ एक रहा है। नहीं, वो उन्होंने यही करके रखा है, वो मतलब नॉट क्लिकेबल। ओके, तो हो सकता है कि अभी अभी आपने अकाउंट बनाया इसलिए थोड़ा सा नॉट क्लिकेबल होगा जी। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो एक आध दिन वेट करो, उसके बाद देखना। ठीक है, ठीक, ठीक है, ओके। बोलो। सर ओके, हेलो जी, तनुश्री जी बोलिए। सॉरी तलिया जी। सर, जैसे आपने अभी एक स्काई बैग का एग्जांपल लिया था, वैसे मैं कोई भी प्रोडक्ट रैंडमली चूज करके उसको प्रमोट कर सकती हूँ? हाँ, रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हो। आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, इसका मतलब अमेजोन में जितने प्रोडक्ट है उसमें से किसी भी प्रोडक्ट का एफिलिएट अकाउंट बना के, एफिलिएट आईडी बना के आप उसको प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात क्या है, कई बार ऐसा होता है कि हम भी जब अमेजोन से कुछ मंगाते हैं तो एफिलिएट आईडी बना के उसी से परचेस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट सेम आईडी से, एफिलिएट आईडी बना के सेम आईडी से परचेस करोगे तो आपको उसका कमीशन नहीं मिलता, क्योंकि वो ट्रैक हो जाता है कि आप ही ले रहे। ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, जिस आईडी से आपने एफिलिएट अकाउंट बनाया है उस आईडी को यूज करके, उस अकाउंट को यूज, यूआरएल को यूज करके कोई और अमेजोन आईडी से परचेस कर। ठीक है,
तो आपके सर्कल में, फ्रेंड्स में, फैमिली में कोई ऐसा है जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से कुछ ऑर्डर करता है, जिसका भी आपने बनाया है, उनको बोल के रखो कि आप कभी भी अमेजोन से कुछ लोगे तो पहले उस प्रोडक्ट का लिंक मेरे को फॉरवर्ड करना, उसी का एफिलिएट अकाउंट, एफिलिएट लिंक बना के आप दोबारा भेज दो कि अभी अब इससे परचेस करो, ठीक है? वो क्लिक करके ओपन भी करेंगे तो दिखेगा वही, जब वो परचेस करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है? तो वैसा भी कर सकते हो, क्लियर ओके है? ठीक है, तो यहां तक किसी को और कोई डाउट, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हो। जो लिंक अपने को मिली वो सिर्फ मतलब जहाँ पे मतलब फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, जहाँ वहाँ पे सिर्फ पेस्ट कर देने का। कहीं भी, लेकिन रैंडम पेस्ट करोगे तो नहीं होगा ना, आपको कुछ कंटेंट डालना पड़ेगा ना। जैसे कि यूट्यूब में आपने कभी कोई वीडियो देखा होगा कि कौन सा माइक लेना चाहिए स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर, तो बहुत सारे लोग अलग अलग माइक के बारे में बताते हैं और बोलते हैं वीडियो में कि नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे उसके लिंक दी हुई है। तो जब आप डिस्क्रिप्शन में जाते हो तो माइक का नाम, उसकी एक लिंक रहती है, उसमें क्लिक करोगे तो वो एफिलिएट लिंक होती है, ठीक है? सेम विथ इंस्टाग्राम में, कई बार आपने देखा होगा रील्स या जो पोस्ट आता है उसमें लिखा रहता है कि बायो में वो लिंक है, तो जब आप उस अकाउंट के बायो में जाते हो और क्लिक करते हो तो वहां पे जो लिंक रहती है वो एफिलिएट लिंक रहती है, ठीक है? प्लस आपको ये पता होगा कि इंस्टाग्राम में जब आपके 10,000 प्लस फॉलोअर हो जाएंगे तो आपको स्टोरी में भी लिंक ऐड करने का ऑप्शन आता है, तो जब कोई स्वाइप करता है तो वो जो भी आपने लिंक डाला है उस पेज पे या उस अकाउंट पे चला जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इंस्टाग्राम पे, फ्लिपकार्ट पे, जहां डालना है आपको, नॉर्मली किसी को मैसेज में भी फॉरवर्ड करना है तो लिंक वाला कॉपी करके फॉरवर्ड कर दो, वो उसमें भी क्लिक करके ओपन करेगा तो उसका कमीशन आपको मिलेगा, मतलब परचेस करेगा तब। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहां तक करके देखो, कहीं कोई दिक्कत, कोई डाउट होगा तो फिर पूछ सकते हो, ठीक है? ओके आज हम आगे का टॉपिक नहीं देख रहे हैं क्योंकि अब छोटे छोटे टॉपिक्स है, सब मैं बता दूंगा तो प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलेगा और बहुत जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है? और लोग भी आज गायब है, प्रणव जी भी शायद शादी के नाम से नहीं आए, ठीक है? तो यहाँ तक ट्राई करो, बाकी और भी छोटे छोटे टॉपिक्स है वो एक एक करके हम कल देखेंगे, ठीक है? और नेक्स्ट वीक में मोटा मोटी आपकी क्लास खत्म हो जाएगी और एक दो दिन हमारा रिविजन रहेगा, ताकि कहीं कोई दिक्कत, कोई डाउट कोई टॉपिक में रहेगा तो वो क्लियर करके क्लोज करेंगे, ठीक है? मतलब मान के चलो इस मंथ के एंड तक आपका कोर्स पूरा खत्म हो जाएगा, क्लियर? ओके सर। तो यहां तक जो हमने बताया उसको भी प्रैक्टिस करो, उसके साथ साथ पास्ट में आपने जो भी पढ़ा अभी तक के वो पूरा प्रैक्टिस करो, और कहीं भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो तो यहाँ तक करो, बाकी आगे का फिर हम कल देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।